क्या आप डरे हुए? क्या घबराए हुए? यही बात है, आपने कुछ नहीं कहा। अरे आज इस मुल्क में नफरत की बातें की जा रही है, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी नफरत का जवाब नफरत से नहीं मोहब्बत से देगा। अजा की बात है, लिंचिंग की बात हो रही है, हिजाब की बात है, लेकिन याद रखो इन सब हालात से क्या तुम डरे हुए हो? डरना भी नहीं चाहिए। तारीख के औराख को उठा कर देखो। मैं बार बार कहता हूं कि मुत्तहिद रहो, इतिहाद पैदा करो। क्यों? कि तादाद में ताकत नहीं होती, इतिहाद में ताकत होती। 313 थे, इतिहाद था। 40 थे तो इतिहाद था। 30 थे तो इतिहाद था। बैतुल मुक्तस को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हासिल किया तो इतिहाद था। थाना जब हमने इस बात को याद रखना, जो भी ब्रीड का जैसा भी भोगता है भोगने दो, कुत्तों का काम भोगने, शेरों का काम खामोश चला जाना, बस भोगने दो, जरूरत नहीं। वक्त और हालात की नजाकत को समझो, उनके जाल में फंसना नहीं, वो जाल बुन रहे हैं, तुमको फंसाना चाहते हैं, तुम फंसना नहीं, खामोश रहो, जो बोलता है बोलने दो, मुस्कुराओ और चले जाओ। अब जैसा मैं मुस्कुरा के जा रहा हूं, कितनी तकलीफ है इनको, इनसे इनको मालूम, अरे कुछ भी नहीं बोला, अरे टीआरपी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं बोला, अरे व्यूअरशिप नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं बोला। ये मेरा अंदाज है हंसने का, ये ऐसा अंदाज लगाओ क्या डर गए हो? अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क कितना उनका है उतना मेरा भी है। ना तुम्हारी जागीर ना मेरी जागीर, ये मुल्क हम सब का है, हम सब मोहब्बत के साथ रहेंगे और इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। वाखिर उल्कार, अल्हम्दुलिल्लाह।